हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखिए जाली वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको आप स्टॉल, शॉल, वूलन ब्लाउज़ या कोटी पे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ये, देखिए जिगजैग जैसी बन के गई है। देखने में जितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स, बनाने में उतना ही ईजी है। ये देखिए, ये 3 के मल्टीपल बनता है, प्लस 2 आपने एक्स्ट्रा करना है। आप जितना भी पैटर्न पे डाल रहे हैं, 3 के मल्टीपल आपने फंदे लेने हैं और 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा करना है। साइड साइड के लिए 2 फंदे एक्स्ट्रा और 3 के मल्टीपल ये डिज़ाइन चलेगी। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने स्काई ब्लू कलर की ऊल से इतना बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने 30 फंदे लिए हुए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को ये डिज़ाइन कैसे बनेगी। फर्स्ट रो डिज़ाइन की है ये, स्टार्टिंग से ही है। जैसे स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनेगी सेम वैसे ही है। तो ये फर्स्ट रो है डिज़ाइन की हमारी आगे की साइड से। तो पहले फंदे को एज स्टिच हमने ऐसे उतारना है। जिसको हमने ऐसे उतार लिया, ऊन को अपनी साइड लाएंगे। ये देखिए, 3 फंदों को एक साथ हमने बनाना है। 3 फंदों को एक साथ हमने बनाना है, ऊन को आगे करके। देखिए, फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे, 3 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए ऐसे, फिर उनको अपनी साइड लाएंगे। डिजाइन की हमारी पहली रो ऐसे ही बनेगी। 3 फंदे को एक साथ बुनना है, पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। देखिए, फिर उनको अपनी साइड लाएंगे, 3 फंदे को एक साथ बुनेंगे, ऊन को अपनी साइड किया, इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। यानी फर्स्ट रो हमारी डिज़ाइन की सेम एज ऐसे ही बनेगी। हमने यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद ऊन को आगे करके 3-3 फंदों का एक करना है। तो चलिए ऐसे हम पूरी रो ये कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमारा एक फंदा है, तो इसको हम एज स्टिच सीधा बुन देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई। अब देखिए सेकेंड रो, बैक साइड से अब देखेंगे डिजाइन के। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई है, अब सेकेंड रो देखिए, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। देखिए, इसको हमने ऐसे उतारने के बाद ऊन हमारी अपनी साइड रहेगी। 2 फंदे आप लोग को दिख रहे होंगे, ये देखिए, 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, इसको फंदे को हमने स्लिप नहीं करना है, गिराना नहीं है। फिर इस पे देखिए, हम सलाई पे देखिए, एक फंदा बुना, इसी फंदे में हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा हमने बुना, एक फंदा इस पे ऐसे लपेटा और फिर हम बुन देंगे। ये देखिए, एक फंदे में है, 2 फंदे हमने 3 फंदे बनाए। फिर देखिए, ये 2 फंदे हैं, एक बार इसमें बुना, इसको हम फंदे को गिराएंगे नहीं। अब देखिए, इसी के ऊपर हमने फिर एक फंदा बना के, फिर ये हमारे 3 फंदे हो गए। देखिए, फिर देखिए, यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुना और ये देखिए, इस पर हम लपेटेंगे और इस फंदे को बना लेंगे। फिर देखिए, ये 2 फंदे हमेशा हमने ऐसे ही करना है इस डिज़ाइन में। एक फंदे में बनाने के बाद उसको हमने ड्रॉप नहीं करना है, उसमें हमने 3 फंदे बनाने। तो देखिए, एक फंदा हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम ऐसे लपेट देंगे। सलाई के ऊपर हमने राइट वाले सलाई जिससे हम बुन रहे हैं उस पर लपेट के फिर एक बार बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 2 फंदे में 3 फंदे बन रहे, क्योंकि एक फंदा हमारा फ्रंट साइड से कम हो रहा है। तो बैक साइड से उसको हम इक्वल करने के लिए 3 फंदा बना रहे हैं बैक साइड से। तो देखिए कितनी इजी डिजाइन। फिर देखिए, एक, फिर इस पर हमने रैप किया, फिर इसको बनाया। फिर देखिए, 2 फंदे को हमने लिया, फिर इसको हम रैप करेंगे। और देखिए फ्रेंड, 2 फंदे हमारे होंगे कौन से, एक जो हमने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है और एक जो बुना हुआ है, वो दोनों फंदे साथ साथ हमारे चल रहे हैं। अब फिर देखिए, ये 2 फंदे,
पे बुनेंगे हम, फिर इस पे हम रैप करेंगे एक फंदे पे, सलाई पे, फिर इसको तीन, दो फंदे का तीन फंदा हम बना रहे हैं पीछे की साइड से। ये डिज़ाइन ऐसे ही बनेगी और आगे की साइड से तीन फंदे का हमने एक करना है, एक एक जाली बनाते हुए। अब देखिए, फिर ऐसे ही हमारी पूरी रो कंप्लीट हो रही है। तो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही प्यारा ये बनकर आएगा। तो आप इसको हाफ कोटी या वूलन ब्लाउज या शॉल स्टॉल किसी पे भी डाल सकते हैं। लास्ट में हमारा एक फंदा आया है तो उसको हम ऐसे ही सीधा बुन रहे उल्ट। तो देखिए, ये बैक साइड से भी बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, ये देखिए। तो इसीलिए अगर हम शॉल या स्टॉल में फ्रेंड्स कोई भी डिज़ाइन डालते हैं तो ऐसे डिज़ाइन डालते हैं कि बैक साइड से भी सेम दिखे और फिनिशिंग अच्छी हो, और फ्रंट साइड से ऐसी। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन जो है ऐसे ही चलती हुई जाएगी, पूरी रो हमारी ऐसे हमेशा बनेगी। आगे की साइड से आपने तीन फंदों का एक करना है, उनको आगे करके यानी जाली बनाते हुए, और पीछे की साइड से हमने दो फंदे में तीन फंदे करने हैं। तो ऐसे ही हमारी पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।